तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो है एक ब्लूटूथ स्पीकर, बहुत ही अमेजिंग स्पीकर है। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको समझ में आए इसका साउंड बहुत ही पावरफुल है। इस चीज़ के लिए मैंने एक पीवीसी का पाइप खरीदा है जो कि एक छोटा सा पीस था जो मुझे $1 का पड़ा है, और इसको मैंने इस तरीके से कट कर लिया। कट करने के बाद मैंने एक पीवीसी पाइप को फ्लैट कराया, हीट करके इसकी शीट बनाई और इसे इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस कट कर लिए। और उसके बाद मैंने अपने पीवीसी पाइप को इस तरीके से रिक्वायर्ड लेंथ के हिसाब से कट कर लिया, और जो शीट हमने निकाली थी उसके अंदर मैंने इस तरीके से बेस रेडिएटर के लिए होल्स कर लिए और ये दो छोटे छोटे पीस बना लिए ताकि वो इस तरीके से यहाँ पर फिट हो सके। और ये जो कट होने के बाद पीस निकला था उसके अंदर हमने ड्रिल से होल्स करके इस तरीके से एयर वेंट बना लिए और साइड में इस तरीके के होल्स कर लिए ताकि पावर स्विच और पावर इनपुट जैक और एलईडी लगा सकें। एक एम्पलीफायर बोर्ड मैंने लिया है जो कि मुझे $5 से $6 का पड़ा है। ये मैं अपने पिछले प्रोजेक्ट में भी यूज़ कर चुका हूँ, इसमें दोबारा यूज़ करूँगा। और एक बैटरी पैक आपने बनाना, ये मैंने खुद बैटरी पैक बनाया। 3S बैटरी पैक 12 वोल्ट तक पावर सप्लाई कर देता है। इसके अंदर एक ओवरचार्ज प्रोटेक्शन बोर्ड भी मैंने ये इंस्टॉल किया है जिसकी कॉस्ट तकरीबन $2 है। और एक ये रॉकर स्विच और एक ये पावर इनपुट जैक एलईडी के साथ मैंने एक पुराने हार्डवेयर में से रिकवर किया है जो कि मुझे फ्री में पड़ा। और अब आते हैं इस मासूम से बेचारे एम्पलीफायर बोर्ड की तरफ जिसके ऊपर हमने दो एलईडी के वायर्स ऑर्डर करके इसके ऊपर एलईडी लगा दी है और दो पावर इनपुट के वायर्स ऑर्डर कर दिए हैं। अब हम 4 स्पीकर के वायर्स ऑर्डर करेंगे। अरे भाई इतनी देर क्यों लग रही है, जल्दी सॉल्डरिंग करो यार, इतनी देर क्यों लग रही है। मेरे ख्याल से सॉल्डरिंग हो जानी चाहिए इतनी जल्दी। अच्छा हो गई है, वाओ यार, चारों वायर सॉल्डर हो गए स्पीकर के बहुत अच्छी तरीके से, आप देख रहे हैं। और ये छोटा सा एम्पलीफायर है काफ़ी, लेकिन ये बहुत ही शैतान है, बहुत ही पावरफुल है। अच्छा, सॉल्डरिंग करते हुए पोलैरिटी का आपने खास ख्याल रखना है, पोलैरिटी अगर गलत हो गई तो साउंड भी बिल्कुल ही गलत निकलेगा। अब पावर इनपुट जैक की बारी आ गई, इसको भी हम नहीं छोड़ेंगे। इसके हमने दो वायर सॉल्डर कर दिए हैं और ये अब कहीं नहीं जाएगा। इसके ऊपर हम हीट श्रिंक भी लगा रहे हैं ताकि कोई शॉर्ट सर्किट ना हो इसके बीच में। ये हमने इसे जला भी दिया, जलाने की सजा दी है इसे। अब मेरे भाई जल्दी से इस पावर इनपुट जैक को हम इसके अंदर फिक्स करके इसके ऊपर ग्लू कर दें ताकि अच्छी तरीके से अपनी जगह पर प्लेस हो जाए। और हाँ, एक चीज़ तो हम भूलिए, 2 कंपाउंड एडिसिव को हमने इसके अंदर यूज़ करना है जिसको हम पावर जैक के आगे और पीछे अच्छी तरीके से अप्लाई करेंगे ताकि कोई एयर लीकेज ना रहे और ये बहुत ही अच्छी तरीके से मजबूती से फिक्स भी हो जाए अपनी जगह पर। अब जरा डबल साइड टेप यूज करते हुए बैटरी को अच्छी तरीके से इसके अंदर चिपका दें और उसको हम बाद में 2 कंपाउंड एडिसिव ग्लू की मदद से और भी मजबूत कर देंगे। बैटरी को लगाते हुए जरा ये आपने ध्यान में रखना है कि बैटरी बिल्कुल अच्छे से फ्लैट बैठे, वरना बेस रेडिएटर की मूवमेंट को डिस्टर्ब करेगी, बेस रेडिएटर इससे हिट करेगा, साउंड बिल्कुल ही बेकार हो जाएगा। 2 कंपाउंड एडिसिव लगाते हुए बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है, आपने ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं ताकि आपकी बैटरी हिले नहीं और अच्छे से सिक्योर करे बैटरी को। अब बैटरी की तरफ से आने वाले दोनों वायर्स और पावर इनपुट जैक की तरफ से आने वाले दोनों वायर्स को हम कंबाइन करेंगे। दोनों ब्लैक वायर्स को आपस में ग्रुप करें और दोनों रेड वायर्स को आपस में ग्रुप करके आप पावर स्विच को जो हमने होल्ड किया था वहाँ से बाहर निकाल लें। अरे भाई, आप सीधी सी बात है कि डबल साइड टेप यूज करके आप पावर एम्पलीफायर बोर्ड को स्पीकर के अंदर अच्छी तरीके से चिपका देना, समझ में नहीं आ रही क्या ये बात आपको? और सारे वायर्स को अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करें, बुरा ना लगे, ताकि कोई खोले तो ये ना कहे ये क्या बनाया अंदर से। स्पीकर के वायर्स को एक तरफ करें, दोनों स्पीकर के वायर्स को दोनों अलग अलग साइड से साइड वाले होल से बाहर निकालें और अच्छे से ग्लू कर लीजिएगा बाद में। और ये जो है एलईडी के वायर्स को भी अच्छे से ऑर्गेनाइज करें, बाकी के ब्लैक वायर्स को ग्रुप करें एक साथ करके इसके ऊपर सॉल्डरिंग करेंगे। रेड वायर जो एम्पलीफायर की तरफ से आ रहा है उसको हमने स्विच की तरफ से बाहर निकाल दिया, इसके ऊपर हमें हमारा स्विच लगेगा, ये दोनों जैसे आपस में मिलेंगे तो स्पीकर ऑन हो जाएगा। अब हम ब्लैक वायर्स को ग्रुप कर रहे हैं, अच्छी तरीके से सॉल्डर कर रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। सॉल्डरिंग ज़रा जल्दी कर लेते हैं। सॉल्डरिंग करने के बाद हमने एलईडी को भी जो हमने होल्ड किया था वहाँ से बाहर निकाल दिया है और इसके ऊपर इन सब के ऊपर अब हम जो है ना सॉल्डरिंग के बाद हम इसके ऊपर ग्लू करेंगे। अब हम स्विच के वायर्स को सॉल्डर कर रहे हैं, देख रहे हैं आप, दोनों रेड वायर्स को स्विच के ऊपर हमने सॉल्डर कर दिया है जो हमारा रॉकर स्विच था, और उसको फिर अच्छी तरीके से अंदर प्लेस कर दें। ये देख रहे हैं आप, हमने स्पीकर के अंदर उसे पुश किया, अच्छी तरीके से फिक्स हो गया सारे वायर्स अच्छी तरीके से। अब हम इसे क्विक टेस्ट कर लेते हैं, ये देखिए एम्पलीफायर ऑन हो रहा है, एलईडी भी हमारी ब्राइट हो रही है अच्छी तरीके से। अब इसको हॉट ग्लू की मदद से हम सारे होल्स को अच्छे से फिल करेंगे ताकि कोई एयर होल बाकी ना रहे, कोई कहीं से भी एयर लीक नहीं होनी चाहिए। ज़रा सी भी एयर लीक होगी तो साउंड बिल्कुल बेकार हो जाएगा, और साउंड अगर बेकार हो गया तो आपको पता है तो फिर स्पीकर किसी काम का नहीं रहेगा। आप कहेंगे कि ये क्या बनाया, एलईडी के पास से भी एयर लीक हो सकती है। और एम्पलीफायर को भी आप हॉट ग्लू करके अच्छी तरीके से सिक्योर करें और एम्पलीफायर को
और बैटरी के भी साइड पर आप हॉट ग्लू अच्छी तरीके से लगाएं, जरा सी भी कंजूसी ना करें, हॉट ग्लू जो है ना काफी अच्छा काम करेगी और वायर्स को अच्छी तरीके से फ्लैट रखें ताकि बेस रेडिएटर की मूवमेंट को जरा सा भी डिस्टर्ब ना करें। अब हम इन बचे हुए पीसेस को पीवीसी के पीसेस को अच्छी तरीके से सुपर ग्लू की मदद से स्टिक कर लेंगे और सुपर ग्लू ज्यादा से ज्यादा लगाएं ताकि अच्छे से मजबूती से फिक्स हो और बाद में भी इसके ऊपर हमने सुपर ग्लू काफी सारे अप्लाई करने ताकि कोई एयर लीकेज ना रहे। यहाँ साइड पर भी हम सेंटर पीस के ऊपर भी हम सुपर ग्लू लगाकर इसे स्टिक कर रहे हैं जिसके ऊपर हमारा बाद में रेडिएटर लगेगा। हर तरफ आपने अच्छी तरीके से सुपर ग्लू अप्लाई करनी है और इसको बाद में हम सैंडिंग भी करेंगे ताकि जो एयर गैप्स हैं जितने भी गैप्स हैं वो फिल हो जाए। सैंड करने से ये होता है कि जो पाउडर निकलता है ना उसके ऊपर जो आप सुपर ग्लू अप्लाई करते हैं तो वो सारे गैप्स को फिल कर देता है और जब गैप्स फिल हो जाते हैं तो एयर लीकेज के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आपके सैंडिंग बहुत जरूरी है और ग्लू सुपर ग्लू बहुत अच्छे से करिए। ये देखिए हम सैंडिंग कर रहे हैं और सैंडिंग करने के बाद इसका जो लुक है बहुत ही बेकार हो जाएगा, दिखने में बहुत ही बेकार बदसूरत सा लगेगा लेकिन ये है कि एयर लीकेज के चांसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे। अब ये जो ग्रिल हमने बनाई थी इसको हम इसके ऊपर लगाएंगे। ग्रिल बिल्कुल फ्लैश होनी चाहिए, जरा सा भी ऐसा ना लगे कि आपने इस पाइप को कट किया है क्योंकि हम इसके ऊपर बाद में क्लॉथ चढ़ाएंगे। अब बारी आती रेडिएटर की, जब हम रेडिएटर को लेकर हमने फेविकॉल हमारे रबर सीमेंट को इसके ऊपर अच्छी तरीके से अप्लाई करें, रेडिएटर के ऊपर भी अप्लाई करना है और प्लास्टिक के पीस के ऊपर जिसके ऊपर ये लगेगा उसके ऊपर भी आपने बहुत अच्छी तरीके से रबर सीमेंट को अप्लाई करना है चारों तरफ से। जरा सी भी एयर लीकेज के चांस आपने नहीं छोड़ना है, जरा सी एयर लीक होगी क्योंकि स्पीकर ड्राइव इसका काफी छोटा है तो स्पीकर जो है ना एयर भी ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करता। अच्छे से आप इस बेस रेडिएटर को इसके ऊपर प्लेस करें और ये हमने इसके ऊपर प्लेस कर दिया है, आप देख रहे हैं जैसे कि। और हमने दो स्पीकर ड्राइव लिए जो कि 10 वाट्स और 4 ओम्स है। ये मुझे $0 के पड़े क्योंकि मैंने पुराने हार्डवेयर में से रिकवर किए, खराब थे, मैंने इनको रिपेयर किया अपने हाथों से। इनके साइड के बेस रिंग्स फटे हुए थे जो कि रबर के बने हुए होते हैं, वो गल चुके थे, मैंने उसको दोबारा रिप्लेस किया एक दूसरे स्पीकर से, लेकिन आई होप इट विल परफॉर्म वेल, काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा। इसको हम इसके अंदर वापस लगाने के बाद इसके ऊपर सुपर ग्लू कर देते हैं। हमने इसके वॉइस ऑर्डर के स्पीकर एनक्लोजर के अंदर इसे रखा और अब हम इसके ऊपर सुपर ग्लू कर रहे हैं, आप देख रहे हैं जैसे कि। सुपर ग्लू अच्छी तरीके से करनी है, चारों तरफ से करनी है, बस इसका ध्यान रहे कि स्पीकर के ऊपर अप्लाई ना हो जाए, स्पीकर के एजिस के ऊपर जाना चाहिए, एजिस के ऊपर जाए और एजिस से जितने भी गैप्स हैं वो सारे फिल हो जाए। जरा सा भी गैप रहेगा तो इसकी एयर लीक वहाँ से हो जाएगी और एयर लीक हो जाएगी तो फिर ये साउंड बिल्कुल ही बेकार साउंड निकलेगा वहाँ से, एयर लीक होने का साउंड भी डिस्टॉर्शन पैदा करेगा और साथ ही साथ स्पीकर की जो बेस है वो बहुत कम हो जाएगी। अब हम इसे टेस्ट कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको साउंड पसंद आया होगा।
मैं कोई भी टेस्ट चीटिंग से नहीं कराता हूँ, मैं 100% चीज़ें बनाता हूँ, और ये फेक कोई चीज़ नहीं बनाता मैं, आज तक मैंने कोई फेक नहीं बनाई, ये चीज़ आप जानते हैं, मेरे वीडियोस आप देखते रहते हैं। और ये अब हम ग्लू कर रहे हैं इसकी ग्रिल को, बहुत अच्छी तरीके से हमने ग्लू कर लिया है, ग्लू को ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करना है ताकि ये ग्रिल बाहर निकल के ना जाए, और इसके बाद हम इसके ऊपर 2 कंपाउंड एडिसिव भी अप्लाई करेंगे ताकि ये और भी अच्छी तरीके से प्लेस हो जाए, बहुत अच्छे से स्टिक हो जाए उसके साथ। फिर उसके बाद और मज़ीद सैंडिंग भी करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से फिनिश हो जाए। ये अब आप देख रहे हैं कि हम 2 कंपाउंड एडिसिव को अच्छी तरीके से मिक्स कर रहे हैं और इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। 2 कंपाउंड एडिसिव इसके सारे गैप्स को फिल कर देगी और बाद में सैंडिंग जो है इसके सारे मजीद गैप्स को फिल करके इसको बहुत ही स्मूथ फिनिश दे देगी। देखने में बहुत ही अगली हो जाएगा, लेकिन ये है कि जो एक आउटपुट आएगा इसका क्लॉथ चढ़ाने के बाद, जब हम इसके फैब्रिक चढ़ाएंगे तो उसका फिनिश बहुत अच्छे से आएगा आप देखिए। और अब हम इसे फिनिशिंग टच देने लगे हैं, अब हम इसके ऊपर रबर सीमेंट अप्लाई करेंगे। टूथब्रश की मदद से हम इसके ऊपर रबर सीमेंट अप्लाई कर रहे हैं, आप देख रहे हैं एक पुराना टूथब्रश मैंने ले लिया है। रबर सीमेंट अप्लाई करते हुए आपने कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है, कुछ बातों का ख्याल रखना है। जो बेस रेडिएटर के होल्स हैं, हमने जो ग्रिल बनाई है उसको बिल्कुल भी कवर नहीं करना है, उसके अंदर ये ग्लू ना जाने पाए, और जो पावर स्विच है, पावर जैक है और LED लाइट है उसको भी हमने कवर नहीं करना है। रबर सीमेंट ड्राई होने के बाद हम इसके ऊपर क्लॉथ को प्लेस करेंगे और क्लॉथ को इसके चारों तरफ से कवर करेंगे। रबर सीमेंट ड्राई होने से पहले अगर हमने क्लॉथ को इसके ऊपर प्लेस कर दिया तो रबर सीमेंट का जो स्टेन है वो क्लॉथ के दूसरी तरफ से नजर आएगा, जो कि आपकी इसकी फिनिश कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। अब लोग मुझसे पूछते हैं कि तहसीर भाई यार आप इसको बनाते हो, आप इतनी सारी चीज़ें बनाते हो, आपको ये बनाने में टाइम कितना लगा, इसको बनाने का फ़ायदा क्या है, और इसको बनाने में डज इट वर्थ, इसको बनाने का यानी कि कुछ आपको हासिल हुसूल है। तो मैं उनसे कहता हूँ कि यार इसको बनाने में जो फ़न है वो आपको नज़र नहीं आ रहा है, वो आप फील करेंगे, जो बनाते हुए आप फील करेंगे वो आपको मैं इजहार नहीं कर सकता हूँ, मैं अपने मुँह से बता नहीं सकता। और इसको बनाते हुए तकरीबन मुझे 10 वर्किंग मैन आवर्स लग गए इसके ऊपर, और जब मैंने इसको बनाया तो मुझे पता भी नहीं चला कि मैंने 10 आवर्स इसके ऊपर काम कर लिया है। लेकिन ये है कि जब बनता है और जब चीज़ सामने आती है तो आपको एक तारीफ के काबिल चीज़ नज़र आती है। अगर आप अपने हाथ से बनाते हैं, हैंडमेड है, टोटली आप देख रहे हैं कि ये स्पीकर हैंडमेड बनाया है, तो आप खुद भी बनाएंगे आपको बहुत मज़ा आएगा। ये नहीं है कि आप इसको बनाकर आप काफ़ी सारे पैसे बचा लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये है कि आप इसको बनाकर ये बता सकते हैं कि इस तरह की चीज़ बन सकती है घर में। अब फैब्रिक को चढ़ाते हुए मैं जितनी फिनिशिंग दे सकता था मैंने दी, मैं जितनी कोशिश कर सकता था मैं कर चुका हूँ और मैं कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं वीडियो के अंदर। आप जितनी कोशिश करेंगे, जितने अच्छे से काम करेंगे उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, आप खुद पर्सनली सेटिस्फाई होंगे। पर्सनल सेटिस्फैक्शन इज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बाकी ये है कि आपने इससे और तो कुछ आपने हासिल नहीं करना है, जितना अच्छा दिखेगा आपको खुद अच्छा लगेगा, आपको पसंद आएगा। आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर क्लॉथ मैं किस तरीके से चढ़ा रहा हूँ, क्लॉथ चढ़ाना कोई आसान काम नहीं था, इसको टाइम जो काफ़ी लगा है क्लॉथ चढ़ाने के अंदर, और सबसे ज़्यादा कटिंग को केयरफुली कटिंग करनी है ताकि ये ज़रा सा भी बुरा ना लगे। अब जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि इसके ऊपर क्लॉथ तो चढ़ गया है, मैं इसको पावर ऑन ऑफ करके इसे टेस्ट भी कर रहा हूं, और आप देख रहे हैं कि टेक्सचर काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, इसका टेक्सचर बहुत ही फिनिश में आया है। यहां पर मैंने सुपर ग्लू की मदद से इसको फाइनली स्टिक किया है सराउंडिंग बटन और पावर जैक के साइड्स के ऊपर भी मैं सुपर ग्लू अप्लाई करूँगा बाद में ताकि ये अच्छी तरीके से प्लेस हो जाए। अब मैं इसके लिए रिंग बनाऊँगा, मुझे 2 रिंग बनाने हैं दोनों साइड्स के लिए ताकि ये इसके कैप्स बन सकें। 2 मैंने 3 mm डाया के PVC पाइप के रिंग्स काटे हैं, और अब मैं इसको शॉर्ट करके इसका डायमीटर रिड्यूस करूंगा। डायमीटर रिड्यूस करने के लिए मैं इसको ट्विस्ट करूंगा, टर्न करूंगा। मैंने एक मेजरमेंट अप्रोक्सीमेट लेने के लिए मैंने ये होल सॉ लिया है, ये इसका तकरीबन अप्रोक्स मेजरमेंट है, मैं उसकी रेफरेंस पॉइंट लेकर ये रिंग्स बनाऊंगा। आप देख रहे हैं कि PVC को फोल्ड करना, PVC को बेंड करना काफ़ी आसान होता है, आप अपने हाथों की मदद से इसको PVC को अच्छी तरीके से आसानी से बेंड कर सकते हैं। 2 इंच डाया से तकरीबन आसपास का ये इसका डायमीटर है। इस साइज़ का पाइप मार्केट में अवेलेबल नहीं था, वरना मैं डायरेक्ट परचेस करके इसका रिंग बना लेता। प्लीज़ यार अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो जल्दी से, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाले वीडियोज़ आपको पता चलते रहें कि कौन कौन से वीडियो आ रहे हैं। अपडेटेड रहो यार, अपडेटेड रहो।
अब हम होल सॉ यूज करने जा रहे हैं जिससे हम स्पीकर की ग्रिल्स बनाएंगे। दोनों साइड्स पर, दोनों एंड्स पर जो ग्रिल्स लगेंगी वो हम पीवीसी पाइप की शीट जो हमने बनाई थी उसकी मदद से हम बनाएंगे। उसमें से दो गोल डिस्क निकालेंगे और दोनों एंड्स पर लगाएंगे। अब आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर दो डिस्क कट कर ली है और दो डिस्क को कट करके हमने एक नट बोल्ट की मदद से हमने ड्रिल के ऊपर माउंट कर लिया। ड्रिल इसे रोटेट करेगी और हम इसे एज ए सैंडिंग मशीन के तौर पर इसे यूज़ करेंगे। हम इस दो डिस्क को हम सैंड करेंगे ताकि स्मूथ हो जाए और इनके एजेस भी स्मूथ हो जाए और जो कि हमारे क्लॉथ को कट ना करें। वाह, अब दोनों डिस्क बिल्कुल स्मूथ हो गए हैं, बिल्कुल एजेस इनके शार्प नहीं रहे, बिल्कुल बिस्किट्स की तरह हो गए हैं। अब सुपर ग्लू का यूज करते हुए हमने रिंग को ज्वाइन करना है। रिंग के ऊपर अच्छी तरीके से सुपर ग्लू अप्लाई करनी है। उसके बाद हम इसको स्पीकर के अंदर लगा के ना इसकी मेजरमेंट ले लेंगे कि जितना हमें रिंग चाहिए उतना हम कट कर लेंगे। उसके बाद बाकी का रिंग को हम फेंक देंगे, जो हमें नहीं चाहिए होगा उसे हम फेंक देंगे। उसका हम क्या करेंगे रख के। अब हम डेयर मिल्क की मदद से इन रिंग्स को स्प्लिट करके दो हिस्सों में तब्दील करेंगे। दो हिस्सों में तब्दील करने से हमें दो रिंग्स मिल जाएंगे। बेसिकली हम चार रिंग्स बना रहे हैं, दो इनमें से हम यूज़ करेंगे और दो को हम फेंक देंगे। जो हमें नहीं चाहिए वो हम फेंक देंगे। आप देख रहे हैं कितनी आसानी से मैं इसको स्प्लिट कर रहा हूँ। ये बहुत ही आसान काम है, बिल्कुल भी डेंजर नहीं है। इसे हाथ में पकड़ के आप करें, आपके हाथ पर टच करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, कुछ भी नहीं होगा हाथ को। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, ये डेयर मिल के ऊपर आप जिस तरीके की डिस्क लगाएंगे उस तरीके से आपको कटिंग का वो करेगी। अगर इसके ऊपर मैं वुड कटिंग डिस्क लगाऊंगा तो डेफिनेटली वो बहुत ही डेंजरस होगी, पर ये डायमंड कटिंग डिस्क है, ये आपके मेटल वगैरह को कट करने में काम आती है, लेकिन ये आपके हाथों को ज़रा भी कुछ नहीं करती। अब हमारे पास दो कैप्स और दो रिंग्स तैयार हैं जिसके ऊपर हम क्लॉथ चढ़ाएंगे फैब्रिक, और फैब्रिक चढ़ाने से पहले हम इसके अंदर होल्स कर लेंगे काफ़ी सारे। कैप्स के अंदर होल्स करने के लिए हम मार्किंग कर लेंगे और अप्रॉक्सीमेटली हमने मार्किंग कर ली है, ये देख सकते हैं आप। अब मैं आपको कामचोरी सिखाता हूँ। कामचोरी ये है कि आपने एक्चुअली काम स्मार्ट वे से करना है ताकि आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो आप इसके ऊपर सुपर ग्लू अप्लाई करें, हल्की हल्की सी सुपर ग्लू अप्लाई करके दोनों डिस्क को एक साथ आप चिपका लें। दोनों डिस्क को एक साथ चिपकाने के बाद आप जब इसके ऊपर होल करेंगे तो एक डिस्क में आप होल करेंगे और दोनों डिस्क में इसके होल हो जाएंगे, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आप इस तरीके से ज़्यादा आराम कर सकेंगे। और अब ये देखिए हमने बहुत सारे होल्स कर लिए इसके अंदर, आप देख सकते हैं तकरीबन काफ़ी सारे होल हुए हैं इसके अंदर। अब हम दोनों डिस्क को स्प्लिट कर रहे हैं। स्प्लिट करने के लिए हमें एक तेज़ बहुत ही शार्प नाइफ लेंगे। नाइफ को हमने देख के यूज़ करना है, हमने दोनों डिस्क को स्प्लिट करना है, अपनी उंगलियों को स्प्लिट नहीं करना है। ज़रा ध्यान रहे, अपने हाथ पैर बचाकर काम करें। और अब वही गंदा वाला टूथब्रश, पुराना सा टूथब्रश हम इसके ऊपर यूज़ करते हुए रबर सीमेंट अप्लाई कर रहे हैं। दो ग्रिल्स जो हमने बनाई थी दोनों के ऊपर हमने रबर सीमेंट अप्लाई करना है, उसके बाद हम इसके ऊपर फैब्रिक चढ़ाएंगे। पर अब आप पूछोगे ये फैब्रिक कहाँ से है। ये फैब्रिक मेरा फटा पुराना टी शर्ट है, एक पुराना सा टी शर्ट है जो कि मेरे यूज़ में नहीं था। मैंने ये टी शर्ट को लिया, इसके पीसेस निकाल लिए और अब मैं इसके ऊपर चढ़ा रहा हूँ। ये वही फैब्रिक है जो सेम मैंने स्पीकर के ऊपर चढ़ाया है। चारों कॉर्नर से फैब्रिक को अच्छी तरीके से स्ट्रेच करें ताकि इसके ऊपर टाइट फिट हो जाए और इसके जितने भी होल्स हैं वो बिल्कुल भी नज़र ना आए। अब आहिस्ते आहिस्ते आप इस सुपर ग्लू को स्पीकर के एजेस के ऊपर अप्लाई करें। देखकर ध्यान से अप्लाई करें, कहीं फैल ना जाए, कहीं इसका रायता फैल ना जाए। और इसी के साथ साथ आप इसके ऊपर सुपर ग्लू लगाएं रिंग के ऊपर, और रिंग को सुपर ग्लू लगाने के बाद आप इसको जो हमने कैप बनाया था, जो हमने स्पीकर की ग्रिल बनाई थी उसके ऊपर आपने इसको प्लेस करना है, इसके ऊपर इसको स्टिक करना है। ध्यान रहे कि इसका मैक्सिमम सेंटर पॉइंट आप निकाल सकें और सेंटर में लगाने की कोशिश करें इसे। अब सिर्फ आपने कैप के एजिस में क्लॉथ को क्रीज करके अच्छी तरीके से बेंड करना है, अच्छी तरीके से स्टिक करना है। उसके बाद आपने सिर्फ एक्सेस क्लॉथ को कट करके इसको कैप को रेडी कर लेना है। और बस कैप रेडी होती है, स्पीकर के दोनों एजिस के ऊपर लगा देना है और अच्छे से प्रेस करना है। आप चाहे तो इसे ग्लू करके भी लगा सकते हैं, आप इस पर हॉट ग्लू की मदद से इसके अंदर फिक्स कर सकते हैं। तो भाई स्पीकर तो ये हमारा तैयार हो गया है,
अब आप देख सकते हैं इसकी फिनिश कितनी अच्छी तरीके से आई है। ये ग्लू जो हमने लगाई थी ये वो उसके मार्किंग्स हैं, और इसके कैप्स भी बिल्कुल अच्छी तरीके से बैठे हैं। ये ग्रिल इसकी विजिबल है अंदर से, और अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा थिक कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर थिक कपड़ा यूज़ नहीं किया क्योंकि मैं साउंड में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहा था। कपड़ा इसके अंदर जो फैब्रिक हमने यूज़ किया है वो आपने मैक्सिमम ब्रीदेबल कपड़ा यूज़ करना है ताकि स्पीकर की एयर और साउंड जो है ईजिली उससे पास हो सके। और अब हम इसे चेक करेंगे। इसके अंदर आप देख सकते हैं इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब इसके स्पीकर को आप किसी भी तरीके से रखें ये ऑटोमेटिकली लेवल हो जा रहा है। आप ये देखें क्योंकि इसकी बैटरी नीचे है, तो इसका एक फायदा है कि बेस रेडिएटर ऑटोमेटिकली ऊपर आ रहा है और आपके बटन्स जो है वो हमेशा सेफ रहेंगे। फिनिश होने के बाद एक बार फिर से साउंड चेक कर लेते हैं ताकि इसका साउंड कॉम्प्रोमाइज़ हमें पता चल जाए। क्लॉथ लगने के बाद जो भी इसका साउंड कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है वो हमें आसानी से पता चल सके। आप लोग खुद जज करेंगे, आप लोग खुद सुनेंगे, आप लोग खुद बताएंगे कि इसमें क्या है, और आप अपनी कमेंट्स में अपनी राय हमें बता सकते हैं। जो भी आपके कमेंट्स आप मुझे शेयर करें, मुझसे पूछें, जो भी आपके सवाल आते हैं, अगर आपको कोई भी बात समझ नहीं आई तो मैं उसको आंसर करने के लिए तैयार हूँ। वीडियो में बने रहने के लिए शुक्रिया, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, और अपने दोस्तों से भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको इस वीडियो में ज़रा सी भी कोई बात पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर बनता है, और अगर आपको मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो या कोई बात समझ ना आई हो तो उसके लिए सॉरी। मिलते हैं अगले वीडियो में, आप इंजॉय करें इसका टेस्टिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। देख रहे हैं आप लोग, कोई चीज़ फेंक नहीं है, साउंड खुद आप चेक करें।